अस्सलाम वालेकुम, इट्स नादिया लियास। अभी बजे हैं 6। मैं वॉक के लिए बाहर निकल आई हूँ। मोस्टली तो हम 9 बजे रात को करते हैं, लेकिन आजकल हम थोड़ा वेदर ठीक है तो हम इसी वक्त आ जाते हैं। परिंदों की बड़ी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं। रात को भी काफ़ी बारिश हुई थी और अभी मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ, उसको ले कर फिर हम दोनों वॉक करेंगी। और अभी हस्बैंड आए, उनको खाना दे के मैं फिर वॉक करें। आज मैंने बनाया था अरवी गोश्त, मैं तो खाती नहीं हूँ, तो कल मेरे हस्बैंड स्टीम चिकन ले आए थे, वो पड़ा हुआ फ्रिज में, मैं तो वही रात को लूँगी। अच्छा मौसम हुआ है बारिश के बाद, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो गई है। स्पेशली इस साल तो बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। आज फ्राइडे है और ये बहुत प्यारा ग्रुप चलिए मैं वॉक के लिए पहुंच गई उनके घर के पास, फिर मिलती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम, आज सैटरडे है और इस वक्त बज रहे हैं 3:30। मैं मोस्टली इस टाइम बिल्कुल फ्री होती हूँ, बाजी भी चली गई होती हैं, खाना मैं वैसे पहले बना लेती हूँ। अभी वैसे मैंने आटा गूंदना है, आज मैंने चनों वाले चावल बनाया तो उसमें वीडियो करनी थी, लेकिन हमारे इधर उसकी बिजली की केबल्स का कुछ काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से उन्होंने लाइट बंद की हुई थी। ज़ाहिर उन्होंने काम करना तो उसके लिए लाइट, इधर लाइट बिल्कुल नहीं जाती, जैसे वापटा की लाइट जाती है तो इधर बिल्कुल नहीं, अगर जाती है तो थोड़ी देर के लिए। उससे मैं टीवी थोड़ी देर देखती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, लेट जाती हूँ, क्योंकि वाईफाई बहुत तंग कर रहा है। मैं यूट्यूबर हूँ, मतलब कि मैं यूट्यूब से देखना पसंद करती हूँ, टीवी मेरा बहुत कम है। दोपहर को ही टाइम मिलता है और बाकी तो हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर उनका ही टीवी और वो है। तो आजकल तो वैसे भी पॉलिटिक्स, हर जगह पॉलिटिक्स और मज़ा भी आ रहा है टीवी देखने का, और इमरान खान जीत के हैं और सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है। खाना मैंने नहीं खाया क्योंकि हस्बैंड कह रहे मैं समोसे लेकर आ रहा हूँ, तो मैंने सोचा खाना स्किप करती हूँ क्योंकि मैक्सिमम वो 6 बजे आ जाते हैं। और आज मैंने चनों वाले चावल बनाए हैं, वीडियो करनी थी, उस वक्त लाइट नहीं थी, पीछे से ऑफ की हुई थी, तो फिर मैंने फ़ोन कर पूछा, वो कह रहे नहीं आज थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि केबल्स की वजह से। अभी मैं खा रही हूँ पीच, इसके ऊपर मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला, बहुत मज़ा आ रहा है उसकी वजह से। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड देके गए थे। फ्रूट्स वैसे मेरा ख़त्म नहीं होता क्योंकि मैं बहुत फ्रूट लवर हूँ, हस्बैंड भी मेरे खाते हैं लेकिन वो से मैंगोज़ ये वो, मैं कोई भी फ्रूट जोन सा नहीं खाती हूँ, तभी खाती हूँ मैं, तो फ्रूट्स खाना चाहिए। मैं 12 बजे 1 बजे करीब मेरा टाइम होता था, पहले मैं फ्रूट लाजमी खाना था फिर शादी के बाद और हस्बैंड के साथ रात को, तो अब मैंने कहा जो खाना नहीं खाती तो मैंने फिर ये पीच काटा है, मैं ये खाऊंगी, यम यम सा, ऊपर ब्लैक सॉल्ट डाला, बहुत मज़ा आता है उसका। आज सुबह 9 बजे बारिश शुरू हुई फुल तेज़ और 1 घंटा मुसलसल होती रही 10 बजे तक। तो अभी उस्मान डार की जो NA 73 हमारे हल्के का थे, उनका वोटर्स का आ रहा है कि वो दोबारा से रिकाउंटिंग हो रही है, होप सो कि वो आ जाएं, कि ख्वाजा आसिफ ने तो कुछ भी सियालकोट के लिए नहीं किया। मूलीगी मेरी जोन सी इस बात से इतराज़ करेंगे लेकिन इतना काम नहीं जितना होना चाहिए, सियालकोट के लोग खुद वो कर रहे हैं, बाकी ये हर एक अपना है जिसको मर्जी दें। और मैं पीच खा लूँ जी। हस्बैंड मेरे आ गए हैं और वो लाए हैं समोसे मस्से मज़े के, अब ये हम खाएंगे। और साथ लाए हैं नमक कारे भी, वो ऑलरेडी पड़े हुए भी थे। भाई माली भी आया हुआ है, अब तो दोपहर को सोया नहीं गया। मैं नाल और निमा बार बार कॉल कर रही थी अम्मी के मोबाइल पे, एक्चुअली में मेरी पिक्चर है तो वो उसको क्लिक करके दोनों मुझे कॉल करती, नाल तो वॉइस मैसेज भी करती रहती। फिर वो आप आए, मिस कर रही हूँ मैं आपको बहुत ज़्यादा, और मैं भी उनको बहुत मिस कर रही थी। देखती हूँ शायद रात को मैं जाऊँ, भाई की कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, उसको मैं देखूँगी। चलिए अब हम जम जम समोसे खाने। बज रहे हैं रात के 8:15, तो मैं आई हूँ खाना अपने हस्बैंड को देने के लिए। मैं तो अभी समोसा खाया, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, मेरे समोसे की वजह से बिल्कुल ऐसे स्टोमिक में ना ऐसे रुक गया है, वो समोसा हजम ही नहीं हुआ।
तो फिलहाल तो मैं नहीं खाना खा रही। कल का अभी गोश्त का सालन है क्योंकि मेरे हस्बैंड ना कोई भी चावल वगैरह हो तो शोरबा ज़रूर लेते हैं। दही एक्चुअली में नहीं है, दूध तो काफ़ी पड़ा हुआ था, दही की जाग मेरे पास नहीं थी। अब मम्मी की तरफ से या मंगवाऊँगी, हमारे तो इधर जाग ही कहते हैं जो जिसे दही लगाते हैं। आज मैं तो दूध ही बॉयल करना भूल गई थी क्योंकि मैंने शाम को ही बॉयल किया, अब अगर ज़रूरत नहीं थी इसको मैं इसलिए ऐसे उल्टा ही रख देती हूँ। और ये मेरे राइस मैं गर्म कर रही हूँ। मैं माइक्रोवेव का बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम, जब बहुत कोई ज़रूरी हो या जल्दी हो, अदरवाइज़ मैं चूल्हे पर मुझे अच्छा लगता है, उस पर खाना एक तो ठीक गर्म भी होता है। मैं सैलड बना लूँ, सैलड में सिर्फ प्याज और टमाटर ही बनाऊँगी, खीरा खत्म हुआ है। शिमला मिर्च मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते, मुझे तो बहुत पसंद है, तो फिर मैं वो नहीं डाल रही, तो मैं सलाद बना लूँ। कि मैंने आलू भी रखे थे कि मैं कटलेट्स बनाऊँगी आलू के, उनके चने वाले चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो समोसा खाने की वजह से फिर मैंने नहीं बनाया। अब इसको मैं छोड़ रख दूँगी फ्रिज में, कल देखूँगी इसको कैसे यूज़ करती हूँ। ये मेरा सिंपल सा डिनर रेडी है, ये अरबी का सालन है, ये सिंपल से सैलड सिर्फ इसमें मैंने लेमन डाला क्योंकि मेरे हस्बैंड ब्लैक पेपर नमक वगैरह नहीं पसंद करते। और ये मेरे राइस, चलिए मैं खाना लेके जा रही हूँ। नमाज पढ़ रही थी तो मेरे नेबर से आया, मुझे क्या आया है, लेट मी चेक, स्पेगेटीज। ये संजीदा आपी हैं, उनके घर से आया, उनकी बेटी आई थी मुझे देने के लिए। और अब इसको मैं फ्रिज में रखूँगी क्योंकि मैं तो बहुत फुल हूँ, कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। सो थैंक यू संजीदा आपी, शी इज़ सो नाइस, टीचर है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, और बहुत अच्छे नेबर्स हैं मेरे। अस्सलामुअलैकुम, इस वक्त बज रहे हैं 12, आज संडे है और मैं आज बहुत लेट उठी हूँ, एक संडे को ही मैं सोती हूँ ज़्यादातर, तो हस्बैंड तो मेरे स्टिल सो रहे हैं। मैंने अपने लिए चाय रखी है और चाय में क्या चला गया लेट मी चेक, कुछ चला गया, मच्छर है या क्या है, चला गया। इसको दोबारा से दूसरा पानी चेंज, चाय मैंने रख दी अपनी, और चाय के साथ मैं आजकल पापे लूँगी, मैं पापे सोच रही हूँ रस वो ले लूँ, या ब्रेड भी है पड़ी हुई, जैम ब्रेड भी ले सकती हूँ, क्या करूँ आज। पीछे एक्चुअली मैं ये कुछ नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा, चाय मैं कैफ़े वाली पीती हूँ, स्ट्रॉन्ग पीती हूँ, दूध कम और पत्ती तेज़। अब इसको बॉयल आएगा तो मैं इसमें फिर दूध डालती हूँ। आज फुल सनी डे है लेकिन मुझे लगता बारिश आएगी, हवा अच्छी है और सूरज की रोशनी है, कितने दिनों से बारिश बारिश बारिश, तो इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं है वैसे। और अच्छी हवा बहुत अच्छी आ रही है, ज़बरदस्त, ये देखिए। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे बारिश हुई हो रात को, बताना चला, पानी की वजह से मुझे फील हो रहा है बारिश हुई हो रात को। मैं अभी थोड़ी देर पहले अम्मी घर से आई हूँ, हस्बैंड मेरे जा रहे थे किसी काम फ्रेंड की तरफ, तो मैंने कहा मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दें, तो हम मैं आई हूँ 5:30 बजे, मैं शावर लूँगी रात को, आज कुकिंग नहीं थी करनी, कल का कुछ चावल भी पड़े हुए थे, मैं तो अम्मी घर से खाई हूँ, उन्होंने बनाए हुए थे आलू वाले राइस सैंडविचेस, तो मैं तो सैंडविच खा गई, तो मैं अभी कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, हस्बैंड की वाइट शर्ट और साथ ही है दूसरी दिन काली भी थी जिसमें वो कह रहे वो वाइट पहनेंगे, मैं ही पहनूँगी। आज हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए, कैफ़े इतने ओपन हुआ तो उसके चलो सोचा ट्राई करें। ये है मेरा लास्ट ईयर का ऐलान का, पूरे समर में नहीं पहना गया इसकी हैवी एम्ब्रॉयडरी की वजह से, मेरी लेंथ नहीं थी आ रही, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए, लास्ट ईयर में इतनी शॉर्ट नहीं थी पहन रही, तो उसके साथ भी मैंने चिकन का पीस लगवाया था और मेरी साइड्स भी मुकम्मल नहीं थी और पीस कम था इसका काफ़ी ज़्यादा, तो उस वजह से फिर मुझे इस पर चिकन का पीस सेपरेट लेना पड़ा था। साथ ये मेरा सिर्फ का दुपट्टा है, इसलिए मैंने इस दफ़ा ऐलान का कोई भी नहीं लिया क्योंकि मिला ही कोई नहीं मुझे उसका, और साथ ही प्रिंटेड ट्राउज़र है इसका, और बहुत मुश्किल से ऐलान भी मिलते हैं, तो इस दफ़ा का जो दे भी तो वो सेम मैसेज जैसे लास्ट रुके थे, तो फिर मैंने नहीं था लिया, इस दफ़ा मैंने बहुत सोच समझ के लिए थे कपड़े, पिछले साल तो बस लेते जो डिज़ाइनर्स के तो बहुत ज़्यादा वो हैवी हो गए थे, पहने भी नहीं जा रहे, मुझे सबसे बेस्ट खाड़ी के लगते हैं वो, एक तो लाइट वेट होते हैं निशात के, और जिस तरह का समर पाकिस्तान में इस तरह की गर्मी है उसमें सबसे बेस्ट खाड़ी के,
तो मैं ज़्यादा प्रेफर इस दफ़ा ना उनसे ही किए मैंने। अब मैं नमाज़ पढ़ लूँ असर की, मैं इशा पढ़ के मैं हमें जाएंगे हम लोग। तो ये सिंपल से मेरी वीडियोस हैं जो मैं लाइफ में करती हूँ, ज़ाहिर वही दिखाना है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।